सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मेरा अपना चैनल इट्स मैं शर्मा। सो आज हम आ गए हैं आपके लिए नई वीडियो को लेके, और ये है ट्रेंडिंग रील के ऊपर। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी रील देखी होंगी जो थ्री लेयर्स वाली, इसमें ऊपर एक अलग वीडियो चल रही, बीच में एक अलग और एंड में एक अलग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इस टाइप की वीडियो कैसे शूट कर सकते हैं और कैसे उसको एडिट कर सकते हैं। तो बिना वेस्टिंग टाइम शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे एडिट होगा फुल प्रोसेस। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और चलो दिखाते हैं कैसे होता है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन को लैंडस्केप में करना है, और उसके लिए तीन वीडियोस को रिकॉर्ड करना है, तीन क्लिप सेम टाइम भी रखना, 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी क्या बना चाहते हो। तो तीनों क्लिप अलग अलग रिकॉर्ड करनी है लैंडस्केप में ही, और सेम सेकंड की। तो पहले हम क्लिप रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारी तीनों क्लिप्स रिकॉर्ड हो गई हैं। अब हम चलते हैं वीएन ऐप के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इनको हम एडिट करेंगे, लेयर बाय लेयर लगाएंगे और कैसे इसको एडिट करना है। तो चलते सीधे ऐप के अंदर। तो सबसे पहले हम चलेंगे वीएन ऐप के अंदर, एंड यहाँ पे अब इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना नीचे, और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके हम अपनी जो क्लिप्स थी जो हमने लैंडस्केप में रिकॉर्ड करी थी, उसमें जो हमारी पहली क्लिप है हमें उसे ले लेनी है। मेरी पहली क्लिप ये है, मैं से ले लेता हूँ। तो ये हमारी पहली क्लिप आ गई है। अब इसे क्या करना है, ऊपर यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है इसको हम करना है 9:60 रेशियो पे। उसके बाद इस क्लिप को हमें ड्रैग करके इसे एकदम ऊपर ले जाना है, ये हमने इसे ऊपर सेट कर लिया। अब यहाँ पे फिर हमें एक लेयर ऐड करनी है, इसको हम ऐड करेंगे। अब हमें जो सेकेंड क्लिप है, अपनी सेकेंड क्लिप को लेंगे। तो मेरी सेकेंड क्लिप ये है, मैं इसे ले लेता हूँ। तो इस सेकेंड क्लिप हमारी आ गई है। अब हम लेंगे सेम प्रोसेस, अब हम थर्ड क्लिप लेंगे अपनी। तो थर्ड क्लिप मैं ऐड कर लेता हूँ, ये मैं थर्ड क्लिप। अब थर्ड क्लिप हमको नीचे लानी है। आपको जिस क्लिप को भी बीच में रखना है ऊपर रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मुझे जो एडजस्ट करनी है मैंने एडजस्ट कर ली है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब देखिए तीनों क्लिप के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, अपनी जो एक क्लिप्स हैं इनको हल्का हल्का सा हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हमें तीनों क्लिप ऐड हो गए हैं, और अब इसे प्ले करते हैं। एक बार मैं ऑडियो में रिकॉर्ड करें, अभी तीनों क्लिप मैं चलाता हूँ। हमें तीनों क्लिप कुछ ऐसे दिख रही हैं। अब इसको थोड़ा सा और इन्हांस करते हैं, लास्ट की क्लिप इसे डिलीट कर देते हैं। हाँ, सो अब जैसे कि मेरे में फर्स्ट वाली जो क्लिप है मेरी, ये वाली, ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब मुझे इसमें मूवमेंट देना है, तो क्या करते हैं हम इसमें जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे की फ्रेम का ऑप्शन है, हम इस की फ्रेम पे सेलेक्ट करेंगे। और अब चलते हैं एकदम एंड में जाते हैं वीडियो के, और इस वीडियो को हम थोड़ा जूम करते हैं और इतने दिखाते हैं। एंड अब दिखाता हूँ आपको, अब देखो जो वाली भी क्लिप हमारी वो भी हल्की हल्की मूवमेंट कर रही है और थोड़ी सी जूम होती जा रही है। बट मुझे इन क्लिप्स में थोड़ा और ऐड करना है, और हम इसे अच्छे बना सकते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल सारी वीडियो है, इसे हम थोड़ा स्लो मोशन डालते हैं। स्लो मोशन के लिए हम इस वाली क्लिप पर क्लिक करते हैं, इतनी तो ऑलरेडी स्लो है। बाकी की जो क्लिप है इसे जो बीच वाली क्लिप है इसे ऐड करना है। स्पीड जाएंगे रेगुलर पर जाके इसकी साइज़ को कर देंगे, इसको हम कर देंगे इसको तो मैं 8 कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हमें स्लो नहीं चाहिए। अब ये लास्ट वाली क्लिप है, इसे स्लो करना है मुझे। तो वही स्पीड रेगुलर, और इसको मैं कर देता हूँ 7 पे, सही है 0.7 पे सही है। और इसकी थोड़ी सी मुझे आगे की नहीं चाहिए, मुझे ये वीडियो चाहिए यहाँ से। तो इसको मैं यहाँ से कट करके इसको एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो अब दिखाते हैं थोड़ा सा आपको, अब ये कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा और परफेक्ट करने के लिए मैं अपनी इस वाली क्लिप में एक यहाँ से लास्ट में आके जूम इन का ऑप्शन है, जूम इन ऐड कर देता हूँ। अब देखते हैं अपनी क्लिप को। सो अब हमारी क्लिप बहुत अच्छी लग रही है। अब लास्ट में जो एक्स्ट्रा पार्ट है उन सबको मैं कट कर देना है, इसको भी
और लास्ट वाले का भी। अच्छा करो, और लास्ट वाले को भी कितने कर दो। हमारे तीनों क्लिप परफेक्ट एडजस्ट हो गई हैं। अब क्या करते हैं कि थोड़ा इसमें करते हैं कलर ग्रेड, मतलब एक तो एडजस्ट हो गई हैं, फिल्टर ऐड कर लेते हैं यहाँ से। ये फिल्टर है, तो सही लग रहा है। मैं तीनों में ऐड कर लिया, और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब मेरे फर्स्ट के और सेकंड के जो ये क्लिप है थोड़ी ज़्यादा डार्क है, तो इसको क्या करते हैं हम इस पर क्लिक करके फिल्टर का ऑप्शन पे जाएंगे, एडजस्ट पे जाके, और शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, और हाईलाइट्स को हाई पे शेडो को इंक्रीज़ कर देते हैं, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम कर देते हैं। सेम चीज़ हम सेकेंड वाले क्लिप पर भी करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा डिक्रीज़ कर देते हैं, और शेडो को इंक्रीज कर देते हैं जो थोड़ा ब्लैकिश है वो कम हो जाए। इधर हमारी जो वीडियो है वो बन के रेडी हो गई है, और इसको करना है हमें एक्सपोर्ट। और आप चाहें तो कोई भी इससे स्टार्टिंग में क्लिप्स इसको ऐड करने के लिए इसमें मोशन डाल सकते हैं, मोशन है हम इसमें फेड डाल सकते हैं। सेकेंड है इसमें भी हम इसमें हम डाल देते हैं, और जो लास्ट एक क्लिप है इसे हम डाल देते हैं कि ये क्लिप हमारी इस साइड से आ रही है, ठीक है। और सेंटर के जो क्लिप है हम इसमें डाल देते हैं ऐसे आ रही है, और जो हमारी फर्स्ट क्लिप है इसमें हम डाल देते हैं, इसमें तो मोशन पड़ेगा नहीं, तो मोशन करने के लिए हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब ये फॉरवर्ड हो गई है, ये रही हमारी फर्स्ट क्लिप। अब इसको हम कर देते हैं जैसे, तो अब हमारी कुछ वीडियो जो है कुछ ऐसी चलेगी। और यहाँ पे एंड एंड में भी आप चाहें तो कोई मोशन डाल सकते हैं, तो एंड में भी हमें सेम मोशन डाल दे रहा हूँ आउट के लिए। तो ये तो दूसरी है, इसमें डाल दे रहे हैं जो इधर से आई थी इधर चली गई, और ये बीच वाली है ये नीचे से ऊपर आई थी, अब इसको हम ऊपर भेज दे रहे हैं, नीचे भेज दे रहे हैं वापस। और जो फर्स्ट क्लिप है ये हमारी लेफ्ट से राइट आई थी, तो उसको हम राइट से लेफ्ट कर देते हैं। इसकी एंड कुछ अब ऐसी होगी, ओ नहीं यार दोनों एक साइड जा रही हैं, इसको चेंज करना है, इसको ऐसे भेजते हैं। तो अब हमारी जो क्लिप है पूरी रेडी हो गई है। आपको जो सॉन्ग ऐड करना है आप यहाँ से अपना ऐड पर क्लिक करके कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर मैं इस सॉन्ग को ले ले रहा हूँ, सॉन्ग की वॉल्यूम डाउन कर, मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा। तो ऐसे आप सॉन्ग ऐड कर सकते हो, और बस यहाँ से हम कर लेते हैं अपनी क्लिप को एक्सपोर्ट। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अब आप ऐसी बहुत सारी रील बनाओ और उनको रील इंस्टा पे डालो और फॉलोअर्स गेन करो। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं इसी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।